अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वली दाद खान और आप लोग देख रहे हैं टेक्नो वली यूट्यूब चैनल। दोस्तों रिसेंटली मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया था और उसका फिर सोल्यूशन मुझे मिल गया था, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अगर ये प्रॉब्लम खुदा रखास्ता आप लोग फ्यूचर में फेस करें तो आप लोगों को मालूम हो कि आप लोगों ने क्या करना है। तो अभी रिसेंटली मेरी हार्ड डिस्क के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, हार्ड डिस्क मेरी जो है वो खराब हो गई थी कंप्यूटर की, तो उस चक्कर में जब कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग शेंग हो रहा था तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि हार्ड डिस्क का जो है मसला होगा, तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा क्लीन शीट कर लेता हूँ कंप्यूटर को, अंदर से हार्ड डिस्क वगैरह उतार लेता हूँ और रैम्स वगैरह उतार लेता हूँ। मेरे कंप्यूटर की 8 GB रैम है, 4 GB की DDR3 की रैम्स लगी हुई है, ठीक है। तो मैंने रैम्स वगैरह भी उतार ली और हार्ड डिस्क भी उतार ली। उसके बाद जब मैंने रैम्स वगैरह प्लग इन की दोबारा और हार्ड डिस्क को भी जो है प्लग इन किया और जब मैंने ऑन किया कंप्यूटर, तो फैन जो है वो काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा था और अंदर जो थोड़ी बहुत डस्ट होती है वो ऐसे उड़ रही थी जैसे धुआं उड़ रहा हो, मतलब अजीब सा कुछ वहाँ पर फील दे रही थी। तो मैं अचानक से मैं डर गया, मैंने कहा ये ना वो हार्ड डिस्क के चक्कर में पूरा कंप्यूटर जो बचा कुचा बचा है वो भी उड़ जाए ऊपर। तो मैंने जो है उसको मतलब स्विच को ऑफ किया और उसके बाद जो है वो लैपटॉप का जो कनेक्टर लगता है वो वाला कनेक्टर मैंने लगा के देखा। मैं समझा शायद इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब फॉल्ट हो, जो आपकी मेन केबल है जो कंप्यूटर की उसमें कुछ फॉल्ट हो, तो मैंने लैपटॉप वाली केबल लगा के देखी, मगर उसके बाद भी जो है वो उसी तरीके से फैन बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है और डिस्प्ले आपको जो है देखने को कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं मिल रहा होता। दोस्तों इसके बाद मैंने यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस भी देखी इसके रिलेटेड और मुझे कोई यहाँ पर सोल्यूशन नहीं मिला। फिर ब्लॉग्स वगैरह पढ़े और एक ब्लॉग में जो है इसका मुझे फाइनली सोल्यूशन मिल गया। तो गलती मेरी थी, मतलब आप अगर ज़्यादा एक्सपर्ट भी हों तब भी आपसे ये गलती हो जाती है, मतलब आप जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर ब्लंडर कर देते हैं। तो मैंने क्या किया था कि हार्ड डिस्क के चक्कर में, मतलब क्योंकि मेरा मेन फोकस हार्ड डिस्क के ऊपर था कि मेरी हार्ड डिस्क जो है वो ख़राब होने जा रही है, तो हार्ड डिस्क को प्लग करते करते मैंने रैम्स को जो है वो गलत प्लग कर दिया था। मतलब रैम्स को अगर आप लोग सही तरीके से ढंग से प्लग ना करें और आप कंप्यूटर अपना ऑन करें तो आपका डिस्प्ले भी नहीं आएगा सबसे पहले, जिससे मतलब आपकी रैम जो है वो काम नहीं कर रही होगी तो आपका डिस्प्ले भी नहीं आएगा और आपका जो फैन है वो मतलब अज्यूम कर रहा होता है कि यहाँ पर रैम तो लगी हुई है मगर उनसे रीड नहीं हो रही, कंप्यूटर से रीड नहीं हो रही, तो फैन जो है काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि कंप्यूटर आपका हीट अप हो रहा होता है तो फैन जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर कूलिंग करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में आप लोगों को लगता है जब आप लोगों से ये पहली बार गलती होती है तो ऐसा लगता है कि आपका कंप्यूटर ब्लास्ट होने लगा है। मतलब मैं उस टाइम जो है इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मतलब उस टाइम आपको पता होगा कि कैसे बंदे की यहाँ पर टेंशन बंदे को रहती है, तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मतलब ऐसा लगता है कि ब्लास्ट होने लगा है आपके कंप्यूटर में। तो ये वाली गलती आपकी हो सकती है कि आप लोग रैम्स को थोड़ा साफ कर रहे होते हैं और उसके बाद अचानक लगा देते हैं, देखते नहीं सही तरीके से। अगर आप लोगों ने रैम्स को प्लग इन ना किया और एक से ज़्यादा आप रैम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो सही तरीके से मैच यहाँ पर ना हो रही हो तो ये वाला प्रॉब्लम आपको फेस करने को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो फ्यूचर में अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालना है। आपने रैम्स को दोबारा से मतलब प्लग आउट करना है और दोबारा से मतलब आपने साफ करके थोड़ा सा मतलब किसी कॉटन के साथ साफ करके आपने सही से मतलब थोड़ा ध्यान देकर उसको प्लग इन कर देना है। तो दोस्तों ये थी रैम्स के रिलेटेड वीडियो, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।